उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहां से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पैत्रुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया।